हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती। गुजराती सब्जेक्ट में आपको बुक लेनी है ग्राफल को गुजराती। और इसमें लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, जो हमारे व्यंजन है ण, ण तक के व्यंजन हमने सीखे। तो आपने आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 तक तो कंप्लीट कर लिया ना बच्चों। आज हम व्यंजन के सिवा कुछ और सीखते हैं, तो वो क्या है, वो है अंकों यानी कि नंबर्स। तो इसके लिए आपको आपके ग्राफल को की जो बुक है उसमें पेज नंबर 80 लेना है। ले लिया। अब हम सीखते हैं अंकों यानी कि गुजराती में अंक कैसे लिखे जाते हैं, नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे आज की डेट डालनी है, डेट डाल दीजिए और उसके बाद हम ये अंक है वो सीखते हैं। ठीक है, चलो। ये क्या लिखा है, एक कड़े एक। साथ में आपको एक पिक्चर दिया है, वो पिक्चर आपको क्या करना है, वो पिक्चर आपको काउंट करना है। यहाँ पे पिकॉक कितने हैं, वन, लेकिन उसको गुजराती में क्या कहेंगे, एक, एक कड़े एक। उसके बाद आता है बे, ब गड़े बे। यहाँ पे डॉल कितनी है, वन टू, लेकिन हम उसको गुजराती में काउंट करें तो क्या होगा, एक बे। वेरी गुड, ये क्या है, ब गड़े बे। उसके बाद आएगा त्रण, त गड़े त्रण। यहाँ पे स्पिरल यानी कि खिसकोली के पिक्चर दिए हैं, गिलहरी के पिक्चर दिए हैं, वो काउंट कीजिए, एक बे त्रण, कितने हैं, त्रण, त्र गड़े त्रण। उसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अंक आएगा, नंबर चार, चौगड़े चार। यहाँ पे कैट कितनी है, एक बे त्रण चार। वेरी गुड, कितने हैं ये, चार, चौगड़े चार। उसके बाद आएगा पाँच चढ़े पाँच, अम्ब्रेला का पिक्चर दिया है, एक बे त्रण चार पाँच, पाँच चढ़े पाँच। उसके बाद देखते हैं नंबर आएगा छ, एक बे त्रण चार पाँच अने छ, छ गड़े छ। कितने एरोप्लेन यानी कि विमान की कितने पिक्चर है, छ, छ गड़े छ। उसके बाद का पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है हेड का, उसे क्या कहेंगे, चलो हम पहले काउंट करते हैं, एक बे त्रण चार पाँच छ अने सात, सात अड़े सात। तो सात कई रीते लखाशे, आ रीते। उसके बाद नंबर आएगा आठ, आठ अड़े आठ। यहाँ पे बलून के पिक्चर दिए हैं, चलो काउंट करते हैं। आपको गुजराती में काउंटिंग करना है, एक बे त्रण चार पाँच छ सात ने आठ, आठ अड़े आठ। उसके बाद का नंबर आएगा नौ, एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ, कितने बटरफ्लाई हुए, नौ, नौ बड़े नौ। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिया है एकड़े मिंडे दस, क्या दिया है, दस। यहाँ पे फिश के पिक्चर दिए हैं, फिश हम काउंट करते हैं। आपको नंबर कौन से बोलने हैं, गुजराती, एक बे त्रण चार पाँच छ सात आठ नौ अने दस। तो बच्चों आज हमने नंबर सीखे, कौन से नंबर, गुजराती नंबर, एक से लेके दस तक। चलो हम एक बार फिर से बोल देते हैं, एक कड़े एक, ब गड़े बे, त गड़े त्रण, छ गड़े चार, पाँच अड़े पाँच, छ गड़े छ, सात अड़े सात, आठ अड़े आठ, नौ बड़े नौ, एकड़े मिंडे दस। तो ये सारे नंबर हमने सीखे ना, अब हम हमारी नोटबुक में लिखते हैं।
तो बच्चों आप भी आपकी गुजराती की जो नोटबुक है ना डबल लाइन की वो निकालिए और उसमें अब हम लिखेंगे नंबर्स और वहां पे इस प्रकार से हेडिंग दीजिए नंबर्स मीन्स अंको और डेट डाल दीजिए। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे नंबर्स तो ये हम लिखेंगे 3 times तो आपको यहाँ पे लाइन बनानी है 1 और यहाँ पे हम दूसरी लाइन बनाएंगे इसलिए मुझे 3 parts मिले। ये सब में मैं लिखूँगी नंबर्स तो आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। देखिए यहाँ पे लिखूँगी मैं 1 क्या लिखना है आपको 1 इसके बाद 2 3 चौगड़े 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 1 मिनट 10। तो ये हमने कितने नंबर सीखे बच्चों 10। तो चलो हम यहाँ पे हेडिंग भी लगा दे 1 थी 10 कितने नंबर हमने सीखे 1 थी 10। अब हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 1 2 3 4 5 7 8 देखिए आप 9 लिखे ना तो आपको पहले सी बनाना है बीच में स्लांटिंग लाइन बनानी है स्लीपिंग लाइन नहीं 1 मिनट 10। अब हम तीसरी बार लिखेंगे ये हम कितनी टाइम लिखेंगे 3 times देखिए 1 time हमारा 1 से 10 तक हो गया अब ये दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार हमने लिखा यानी कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए ये हमने रिवीजन भी कर लिया। देखिए आप आगे भी ये सीख चुके हैं हमने यहाँ पे कितनी बार लिखा 3 times तो अब आपका होमवर्क क्या है जैसे हमने यहाँ पे 3 times लिखा उसी तरह से आपके होमवर्क में जाता है ये फिर से 3 times आपको यही पेज जैसा मैंने यहाँ पे लिखवाया वो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है वो भी आपको कितनी टाइम लिखना है 3 times ठीक है बच्चों। अब ये आपको बोलना भी सीखना है अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक आपको ये जो अंक है 1 से 10 तक वो सीख लेने हैं और होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना है।